प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर परिषद पलेरा के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जिसकी वजह से योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। पलेरा के लोगों का आरोप है कि नगर परिषद पलेरा के अधिकारी वार्ड नंबर 3 के पार्षद रेखा बंशकार के पुत्र अभिषेक बंशकार के नाम जो 381 आवास योजना की लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में कई अपात्रों के नाम शामिल हैं, जबकि जो पात्र हैं वह इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन नेताओं का संरक्षण होने से उनकी जाँच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। और यही नहीं, कई पार्षद के परिजनों के भी नाम इस लिस्ट में जारी किए गए जो अपात्र हैं, जिससे पलेरा के कई लोगों ने नगर परिषद में आपत्ति जताई और कई लोगों को अपात्र दिखाने के लिए किसी और का मकान दिखाकर आवास योजना से वंचित किया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि पलेरा नगर परिषद अधिकारी की मिलीभगत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में पलीता लगाया जा रहा है। जब इस संबंध में पलेरा तहसीलदार अनिल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे अभी इस बात की जानकारी हुई है, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से एक एक घर में जाकर आवास की लिस्ट की जांच करूंगा और जो पात्र हितग्राही होंगे उन्हीं लोगों को सिर्फ लाभ मिलेगा और किसी गरीब के हिस्से का लाभ अपात्र हितग्राही को नहीं मिलेगा। सर, अभी 381 लिस्ट आई है आवास की, जिसमें कई ऐसे नाम है जिनकी शादी नहीं हुई है और पार्षद के बच्चे हैं उनका भी नाम आया सर इसमें। सर, हाँ, आपके द्वारा इस बात को मेरे संज्ञान में लाया जा रहा है कि आवास सूची में गड़बड़ी है या आवास सूची में अनियमितता है। मैं आपके द्वारा संज्ञान में लाई गई प्रत्येक बात के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक एक घर की छानबीन करूँगा और व्यक्तिगत रूप से इस कार्य को करूँगा और इसमें जो भी अनियमितताएँ होंगी उनको दूर करके एक शुद्ध और साफ सूची आपके समक्ष आएगी और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका हक मिलेगा। नाम है आपका? मेरा मिला। कौन सा वार्ड है ये? 3 नंबर। आप लोगों को आवास नहीं मिला? नहीं। क्या बोलते हैं? 2 साल से परेशान हुए, 2 बार हमने फॉर्म भी डाल दिया तो नहीं मिला। क्या बोलते हैं? परेशान है, बरसात में मकान भी गिर गया तो सब रिहार पानी भरो तो परेशान चल रहे। क्या करते हैं आप लोग? कुछ नहीं करते, मजदूरी करते हैं। नगर परिषद क्या कहते हैं, आप लोग आवास के लिए जाते हैं तो क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि आ जाएगा, 2 साल निकल गए ऐसे ही सुनते। ऐसी ठंडी में ऐसी मकान में आप लोग? हाँ, बरसात में भी परेशान होते। अच्छा। भर सोते नहीं है पानी के वजह से। जो पात्र हितग्राही हैं, अपात्र हितग्राही हैं, उनको आवास मिल रहा है? हाँ। और आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? आदिवासी। कौन सा वार्ड है ये? 3 नंबर वार्ड। ये आप कच्चे मकान में कितने साल से रह रही हैं? हम रह रहे हैं, अब जिका उम्र इतनी हो गई, ढल गई पूरी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे तो है 4-5 बच्चे। हाँ। हैं तो इसी कच्चे मकान में रहते हैं आप लोग? अब जैसे एक की बन गई साहब। हाँ। नहीं, इसी कच्चे मकान में रहते हैं आप लोग? सब रहते हैं। बरसात में ये पानी चूता होगा यहाँ पे? अब चूका, आप भी देख लो, अब जो इतना पानी बरस गया। हाँ, बिल्कुल गीला। अपने पार्षद से नहीं बोला आपने? पार्षद से बोला, सुबह सुना, जब तो नहीं सुनते हैं। हाँ? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और नगर परिषद अध्यक्ष कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुना, को सुनी होती तो कहाँ आज रो आ जाते। ऐसी ठंडी में भी इसी कच्चे मकान में रहते हैं आप लोग? कहाँ जाए। अच्छा। मैं आपका इमरान खान। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 13। जो आपके पार्षद हैं रेखा बंशकार, उनके पुत्र है अभिषेक बंशकार, उनकी शादी हुई है, उनका आवास लिस्ट में नाम आया है? नहीं हुई है शादी। उनका आवास लिस्ट में नाम आया है, पता है? हाँ पता है, अभी आज सुबह जब पेपर पढ़ा तो उसमें देखा पात्रों की सूची, उसमें 381 नाम थे, उसमें देखा वार्ड नंबर नगर पालिका के उपाध्यक्ष इंद्र प्रकाश पटेरिया का भी नाम उसमें है और वार्ड नंबर 13 की रेखा बंशकार के पुत्र अभिषेक बंशकार का नाम उसमें है और काफ़ी पार्षदों के परिवार के सदस्यों के नाम उसमें है और जो पात्र लोग हैं वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, जैसे वफाती माते जो कि 12 नंबर 9 में रहते हैं, उन्होंने अपना आवेदन अप्लाई किया था, कच्चा मकान है काफ़ी समय से और 3-4 बार उनका फार्म निरस्त हो चुका है, लेकिन उनका नाम 381 की पात्र सूची में दर्ज नहीं है। तो सब अपात्रों को लाभ दिया जा रहा है, पात्रों को लाभ नहीं दिया जा रहा है? देखिए, इसके लिए जो कि आज प्रकाशन हुआ है, पेपर में आया है, मीडिया में भी छाया रहा है, 381 लोगों के जो इनमें नाम आए हुए हैं, इसमें काफ़ी लोग अपात्र हैं और मैं तो प्रशासन से यही चाहता हूं कि जो जितने भी अपात्र लोग हैं उनका नाम काटकर पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाए। ठीक। नाम है आपका? दस्यादेव कुमार।
कौन सा वार्ड है ये? 3 नंबर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम लोगों का आवास नहीं आया, 2-3 साल से इसी में रहे हैं। कच्चे मकान में रहते हो इसी में? हाँ, कच्चे में। पानी बरसात में दिक्कत आती होगी? पन्नी डाल लेते हैं। अभी ठंडियों में कैसे रहते होगे? ठंडियों में देखो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। अपने पार्षद से बात नहीं की आपने? पार्षद से बात की, लेकिन पार्षद बोले आता है कि आ जाएगा आ जाएगा। हम लोगों का तो आया नहीं, उसका 2-2 मंजिल बन गया। अच्छा, पार्षद का आवास आ गया? हाँ, 2-2 मंजिल बना है। अच्छा, हम लोगों का नहीं बना अभी। मतलब पार्षद ने अपना आवास करा लिया, आप लोगों की ख्वाहिश नहीं है कोई? मतलब कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता? नहीं। नगर पार्षद गए हैं आप? नगर पार्षद गए तो वहाँ पर कोई नहीं सुनता है। नगर अध्यक्ष मिली है आपको कि नहीं? वो तो मिलता ही नहीं है। मिलती नहीं है नगर अध्यक्ष? अच्छा। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट।